नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। हमारे आपके आसपास कई हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं और ये तमाम पेड़ पौधे हमारे जीवन को सरल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। आज हम आपको यही बताएंगे कि कैसे पेड़ पौधों का आपकी किस्मत, धर्म और ग्रह नक्षत्रों से संबंध होता है। साथ ही बताएंगे कि कुंडली के ग्रहों को कैसे संतुलित करेंगे ये पेड़ पौधे और पौधे लगाने से कैसे संवरेगा आपका भाग्य। देखिए, हरे भरे पौधे संवारेंगे आपकी किस्मत। बढ़ जाएगी कुंडली के ग्रहों की ताकत। ग्रहों को मजबूत करने का सबसे सरल उपाय है पौधे लगाना। पेड़ पौधों में जीवन बसता है, लेकिन कुछ पौधों में अलग किस्म की दिव्यता होती है। ये पौधे कोई साधारण पौधे नहीं हैं, इनके गुण इन्हें बेहद खास बनाते हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो पेड़ पौधों में अपार सकारात्मक ऊर्जा होती है, जिसका प्रभाव ग्रहों पर भी पड़ता है। इसलिए ज्योतिष में हर ग्रह से किसी न किसी पौधे का संबंध बताया गया है। हमारे यहाँ ज्योतिष में हर नक्षत्रों के भी पौधों का रोपण का विधान है। यदि वो किसी प्रबुद्ध ज्योतिषी से मिलता है कि हमारा जन्म इस नक्षत्र में हुआ है, तो वो निश्चित बताएगा कि आपको यह वृक्ष लगाना चाहिए, उसका पूजन करना चाहिए। ज्यों ज्यों वो वृक्ष आगे बढ़ेगा, त्यों त्यों उसके जो है भाग्य बढ़ते जाएंगे। हर ग्रह की एक विशेष तरंग और गंध होती है। मंत्रों का जाप, रत्नों का प्रयोग और दान आदि इन्हीं तरंगों पर निर्भर होते हैं। पौधे लगाना और उनके उपासना करना भी ग्रहों के नियंत्रण का एक सरल और अचूक उपाय है। ग्रहों के इन्हीं तरंगों और रश्मियों को नियंत्रित करने के लिए विशेष तरह के पौधे लगाए जाते हैं। पौधे दो तरह से लगाए जा सकते हैं, ग्रहों के अनुसार और जरूरत के अनुसार। गलत तरह से पौधे लगाने से बिना किसी कारण के समस्याएं शुरू हो सकती हैं। पौधे सकारात्मक ऊर्जा की खान होते हैं, इनमें जीवन बसता है। पौधों को लगाने के दो फायदे हैं। पहला ये कि इसे लगाने से आप एक तरह से पर्यावरण को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, और दूसरा ये कि धार्मिक रूप से भी आपकी ये मदद करते हैं। अब आपको बताते हैं उस पौधे का विशेष प्रयोग जो महादेव को बेहद प्रिय है। बेल का पौधा लगाना उत्तम होगा। घर के आगे के हिस्से में जमीन में या गमले में इस पौधे को लगाएं। शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हो तो इस पौधे के नीचे करना बहुत अच्छा होगा। हर सुबह इसमें जल डालने से संपन्नता आती है। इसको लगाने से कुंडली के तमाम अशुभ योग नष्ट हो जाते हैं। विशेषकर अगर आपको चाहिए शनिदेव की कृपा, तो शनिदेव का प्रिय पौधा शमी कैसे बनाएगा आपको समृद्ध जानते हैं। किसी भी शनिवार को शाम के समय शमी का पौधा लगाना उत्तम होगा। घर के मुख्य द्वार के बाईं ओर शमी का पौधा लगाना शुभ होता है। नियमित रूप से शमी वृक्ष के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाएं, शनि की पीड़ा कम होगी और स्वास्थ्य उत्तम होगा। महादेव के भक्त हैं शनिदेव, और शनिदेव को प्रिय है शमी का पौधा। एक और चमत्कारी पौधा है शनिदेव को प्रिय, जिसके बारे में हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। पीपल का पौधा घर में बिल्कुल न लगाएं, इसे पार्क या सड़क के किनारे लगाएं। पीपल का पौधा लगाने से संतान प्राप्ति आसान हो जाती है। पीपल की जड़ में जल अर्पित करके उसके परिक्रमा करें, ऐसा करने से संतान दोष दूर होता है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना भी लाभकारी माना गया है।
वेदों में प्रकृति की उपासना को ही सर्वोपरि बताया गया है, तो आप भी प्रकृति में फैली सकारात्मक ऊर्जा का कुछ हिस्सा अपने घर में ला सकते हैं। इन पौधों को लगाकर आप अपने जीवन में समृद्धि हासिल कर सकते हैं। किस ग्रह के लिए कौन सा पौधा लगाएं, आगे जानिए। पौधों की हरियाली में सकारात्मक ऊर्जा भरी होती है। इनकी उपासना से जीवन ही नहीं बल्कि आपका भाग्य भी सवर सकता है। जानकारों की माने तो जिनकी कुंडली में जिस ग्रह से जुड़ी समस्या हो उसी से संबंधित पौधा लगाना चाहिए। ग्रह बाधा दूर करने के लिए कौन सा पौधा लगाना होता है सर्वोत्तम, जानिए। पौधे संवारेंगे आपकी किस्मत। दूर हो जाएगी घर में धन की परेशानी। मिटेगा क्लेश, घर आएगी शांति। ग्रहों को मजबूत करने का सबसे सरल उपाय है पौधे लगाना, क्योंकि पौधों से जुड़ा है आपकी कुंडली का संबंध। हर इंसान की जीवनचर्या अलग होती है, इसलिए कुंडली की स्थिति भी अलग अलग ही होती है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो जिनके कुंडली में जिस ग्रह से जुड़ी समस्या हो उसी से संबंधित पौधा लगाना चाहिए। हर ग्रह की शांति के लिए अलग अलग वृक्ष के रोपण का विधान है। देखिए, हमारे ज्योतिष में भी, हमारे धर्म में भी वृक्षों का विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि इस समय जो है लोग रत्न धारण करते हैं। यदि कोई रत्न धारण नहीं कर सकता है उसके लिए वह औषधियां हमारे यहाँ धर्म शास्त्रों में उल्लेख है। जैसे सूर्य ग्रह किसी के अनुकूल नहीं है तो मंदार के जड़ का एक दिन पहले निमंत्रण दे करके वो जड़ ले करके विधान पूर्वक और उसका विध विधान से प्रतिष्ठित करके यदि वो धारण करता है तो उसको जिस प्रकार हम माणिक पहनते हैं माणिक की तरह फल हमको देता है। सूर्य को बेहतर करने के लिए घर के द्वार के आसपास मदार का पौधा लगाएं। चंद्रमा को बेहतर करने के लिए घर के पीछे की ओर चंदन या बेला का पौधा लगाएं। मंगल को बेहतर करने के लिए घर के मध्य या पीछे की ओर आंवले का पौधा लगाएं। बुध को बेहतर करने के लिए घर में कहीं भी दूब लगाएं। बृहस्पति को बेहतर करने के लिए घर के पीछे केले का पौधा लगाएं। शुक्र को बेहतर करने के लिए घर के पीछे हर सिंगार का या पारिजात का पौधा लगाना शुभ होगा। शनि को मजबूत करने के लिए घर के द्वार के आसपास शमी का पौधा लगाएं। राहु केतु के लिए घर के मध्य में तुलसी का पौधा लगाना बहुत शुभ होगा। वेदों में प्रकृति की उपासना को ही सर्वोपरि बताया गया है। हवन और यज्ञ को ही देव स्तुति का साधन माना गया है। इसी को आधार मानकर ज्योतिषीय गणनाएं कहती हैं कि घर के आंगन से लेकर घर की बगिया तक में बोया गया पेड़ न केवल आपके संकट दूर कर सकता है बल्कि आपकी कुंडली के ग्रह दोषों को भी दूर कर सकता है। तो ग्रहों से संबंधित पौधों की उपासना कैसे करें ये भी समझिए। मदार में रोज जल डालें, रविवार को सुबह इस पर तिलक लगाएं। बेला या चंदन को साफ सुथरा रखें, हो सके तो इसके नीचे दीपक जलाएं। आंवले के नीचे बैठकर मंगल के मंत्रों का जाप करें। धूप की छटाई करते रहें, थोड़े से धूप रोज गणपति को चढ़ाएं। केले में रोज जल डालें, उसके नीचे बैठकर बृहस्पति के मंत्र जप करें। हर सिंगार की सफाई करते रहें, इसके फूलों को चुनकर शयन कक्ष में रखें।
शमी के नीचे शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं, तुलसी के पौधे के नीचे रोज शाम को घी का दीपक जलाएं। हर पौधे को लगाने के कुछ विशेष नियम और सावधानियां हैं। अगर इन नियमों को ध्यान में रखकर पौधे लगाए जाएं, तो इनसे जीवन ही नहीं भाग्य भी संवर सकता है। जिस नक्षत्र में आपका जन्म है या जिस राशि में आपका जन्म है, आप उस प्रबुद्ध ज्योतिषी से मिलकर के पूछ लीजिए कि किस दिन वो नक्षत्र पड़ रहा है या वो राशि किस दिन है। उसके एक दिन पूर्व उस वृक्ष को कहीं से ले आवे और एक स्थान निर्धारित कर ले। जितने समय वो नक्षत्र रहेगा उसी समय उसको वहां पर रोपण करना है। उस वृक्ष को स्थापित करके उसमें पहले शुद्ध जल से उनको स्नान कराकर वहां पर धूप दीप दे करके उस वृक्ष को कोई आम वृक्ष न समझ करके उसको साक्षात वो नक्षत्र का वृक्ष या ग्रह का वृक्ष मान करके उस देवता की आराधना करें। बस यही विधान है वृक्षों को लगाने की। कभी भी घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने पौधा न लगाएं। पौधे ब्रह्म मुहूर्त में या शाम के समय ही लगाएं। दूधधार या कांटेदार पौधे घर में न लगाएं। घर में लगे हुए पेड़ इतने बड़े न हो कि उनकी छाया घर पर पड़े। घर में बिना सुगंध के फूलों वाले पौधे न लगाएं। केले का पेड़ कभी भी घर के मुख्य द्वार पर न लगाएं। पौधों में रोज जल अर्पित करें। संबंधित दिन को उस पौधे की पूजा उपासना करना उत्तम होता है। तो घर में अपने अनुकूल पौधे लगाइए, फिर कुंडली के कमजोर ग्रह मजबूत होने लगेंगे और खुशहाल हो जाएगी आपकी जिंदगी। घर के आंगन में तुलसी का पौधा कैसे दिला सकता है श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा, आगे जानिए। तो देखिए, शास्त्र कहता है, जानकार कहते हैं कि आपके घर में एक तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। तो अब बात करते हैं दिव्य गुणों से भरपूर तुलसी की। तुलसी का बहुत ही धार्मिक महत्व है। इसको न सिर्फ पवित्र माना जाता है, बल्कि अगर वैज्ञानिक दृष्टि से बात करें तो तुलसी में कई गुण होते हैं। हम आपको बताते हैं तुलसी उपासना की सर्वोत्तम विधि आखिर क्या है, जिससे आपके जीवन में आ पाएगी सुख समृद्धि। सनातन धर्म में तुलसी की महिमा अपरंपार मानी गई है। एक ऐसा औषधीय पौधा है तुलसी, जो घर घर में मौजूद है, और कोई भी पूजा तुलसी की मौजूदगी के बिना पूरी नहीं हो सकती। तुलसी का वृक्ष लगावे, लगा करके उसमें जो है थोड़े से दूध से स्नान करा दें, उसके बाद जल से स्नान करावे, गंगा जल हो तो गंगा जल से स्नान करावे, और उसके बाद लगाने के बाद उसमें कलावा आदि जरूर बांध दें हल्का से, और वहां पर एक दीपक रख करके तुलसी जी का विष्णु रूप लक्ष्मी रूप ध्यान करते हुए उनकी प्रार्थना करें कि आज से आप मेरे घर में आप निवास करें। यदि घर में लगाते हैं, घर के बाहर लगाते हैं, तब भी उसी तरह से लक्ष्मी एवं विष्णु का आराधना करते हुए उसको जो है लगावें। अगर आप भी तुलसी माता से सौभाग्य का वरदान पाना चाहते हैं, तो उन्हें सत्सम्मान अपने घर में विराजमान करवाएं। तुलसी का पौधा किसी भी बृहस्पतिवार को लगा सकते हैं। तुलसी का पौधा घर या आंगन के बीच में लगाना चाहिए। अपने सोने के कमरे की बालकनी में भी लगा सकते हैं तुलसी का पौधा। सुबह तुलसी के पौधे में जल डालकर उसके परिक्रमा करनी चाहिए। शाम को तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाना उत्तम होता है।
तुलसी के पत्ते हमेशा प्रातः काल में ही तोड़े जाने चाहिए। भगवान विष्णु और इनके अवतारों को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। भूलकर भी भगवान गणेश और मां दुर्गा को तुलसी अर्पित न करें। तुलसी के पत्ते कभी बासी नहीं होते, पुराने पत्तों को पूजा में प्रयोग किया जा सकता है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु की कोई भी पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा लगाया जाता है वहां सुख शांति और समृद्धि आती है और आसपास का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी के पौधे के दर्शन मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है। तो आप भी दैवीय कृपा दिलाने वाले इन पौधों का लाभ उठाएं और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। तो चलिए, प्रभु आपकी हर प्रार्थना स्वीकार करें, इसी कामना के साथ फिलहाल हमें इजाजत दीजिएगा। देश दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए बने रहिएगा जीएनटी के साथ।